हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोहट्टा जौनपुर, मोबाइल नंबर 91 40 48 21 04, 99 35 67 360 44, 93 365 24 24 4। आज हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन इग्निशिया हमारा 30 या 200 के बारे में, अपोजिट सिम्टम्स एक या एक से रोगी की औषधि है जिसमें परस्पर विरोधी लक्षण प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए, रोग वाली करवट लेटने पर रोगी के मस्तिष्क को अधिक राहत मिलती, रोगी का मन बुझा बुझा सा रहता है और भोजन कर लेने पर भी रोगी को तृप्ति नहीं होती है। गले में दर्द रहता है जो कोई चीज़ निगलने पर और बढ़ जाता है। रोगी को जाड़ा लगता है और साथ ही प्यास भी तेजी पकड़ती है। रोगी का चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है, रोगी उदास रहता है और ठंडी सांसें लेता रहता है। उसकी चित्तवृत्ति कभी स्थिर नहीं रहती है, बार बार बदलती रहती है। सदैव वह एक प्रकार के अवसाद से घिरा रहता है। शरीर के अंग अकड़ने लगते हैं उत्तेजना के कारण अथवा निराशा बढ़ने के कारण। रोगी के शरीर में ऐठन और अकड़न आ जाती। वकासय की थैली में कमजोरी और खालीपन सा महसूस होता रहता तथा भोजन कर लेने के बाद भी खालीपन का भाव नहीं मिटता। पाइल्स बवासीर में गुदा संबंधी रोग, बवासीर कांच निकलना, पखाने के बाद गुदा में दर्द और जख्म सा महसूस होना तथा दर्द की तीर के समान पेट की ओर बढ़ना। हिस्टीरिया में भी यह औषधि हिस्टीरिया से पीड़ित उन रोगियों के लिए बहुत श्रेष्ठ है जो भावुक अधिक होते हैं। अग्रेशन और एम्ब्लेरेशन में वृद्धि और ह्रास कैसे रोग घटता बढ़ता है। हल्के स्पर्श से सिगरेट इत्यादि पीने से तथा काफ़ी का सेवन करने से रोग के लक्षण में वृद्धि होती है। दर्द वाली करवट पर जोर देकर सोने से, जोर से दबाने से या पी पानी की तरह बहुत अधिक मूत्र होने से रोग के लक्षणों में कमी आती है। रोगी को सूखी खांसी आती है और बराबर खांसते रहने पर भी खत्म होने का नाम नहीं लेती है। रोगी जितना ही अधिक खांसता है उसको उतनी ही अधिक खांसी आती है। शरीर में छोटे छोटे स्थानों पर बहुत अधिक पीड़ा होती। काफिया 30 या 200, हीपर सल्फ 30 या 200, अधिकांश मामलों में इग्निशिया सवेरे के समय ही व्यवहार में लाना उपयुक्त रहता। मॉर्निंग में इग्निशिया 30 या 200 और हीपरसल्फ 30 या 200 और काफिया 30 या 200 देने से लाभ होता है। यूज़ नाइट में यूज़ करने के लिए नक्स वोमिका 200 बहुत अच्छा काम करती है। जिस प्रकार नक्स वोमिका पित्त प्रधान पुरुष के लिए बहुत कारगर औषधि मानी जाती है, उसी प्रकार इग्निशिया स्त्रियों के रोगों से संबंधित रहती है। माइंड सिम्टम में स्नायविक रोगों की औषधि की सूची में इग्निशिया को भी शामिल किया
जा सकता है। जिस प्रकार एकोनाइट 30 या 200, कैमोमिला 30 या 200, नक्स वोमिका 30 या 200 और अन्य स्नायविक दवाएं मानसिक लक्षणों की प्रधानता के आधार पर इस्तेमाल की जाती। उसी प्रकार इग्निशिया का प्रयोग भी विशेष प्रकार के मानसिक लक्षणों में ही होता है। अन्य दवाओं की तरह इग्निशिया में रोगी का इंद्रिय ज्ञान बहुत अधिक प्रखर हो जाता है, पर साथ ही अन्य दवाओं के विपरीत इसके रोगी का दुखित भाव एक प्रकार के विलाप में परिणित हो जाता है। विपरीत इसके यदि किसी व्यक्ति को किसी छिपे हुए गहरे शोक की वजह से कोई रोग हो जाए, वह जल्दी जल्दी सांस लेता हो और अपने शोक को किसी और पर प्रकट करना न चाहे, तो इग्निशिया का प्रयोग बिना किसी संकोच के किया जा सकता है। इग्निशिया का मरीज अपने दुख में और किसी को हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता। अपने शोक को स्वयं ही अंदर झेलने की भरसक कोशिश करता है और दुख कतरा का दुख कातरता के कारण अक्सर ठंडी सांसें भरता है। ऊपर से भी इसका मरीज बहुत कमज़ोर मालूम पड़ता है, अपने पेट की तकलीफ की शिकायत करता है तथा थकान के साथ साथ पेट में खालीपन महसूस करता है। इग्निशिया का एक विशेष लक्षण यह भी है कि इसके मरीज को चित्तवृत्ति स्थिर नहीं रहती, क्षण क्षण में बदलती रहती है। कभी तो वह बहुत खुशी और प्रसन्न दिखाई पड़ती है और कभी दुख के कातर हो उठती है और रो भी पड़ती है। इस प्रकार की मानसिक वृत्ति अदल बदल कर प्रकट होती है। चित्त वृत्ति की अस्थिरता और भी कई दवाओं में विद्यमान रहती है। इनमें काफिया 30 या 200, एकोनाइट 30 या 200, नक्स मास्टेटा 30 या 200 भी शामिल है, लेकिन इग्निशिया में यह अस्थिरता सबसे अधिक उग्र रूप से मौजूद रहती है। अपने इसी लक्षण के कारण इग्निशिया 30 या 200 हिस्टीरिया रोग की एक श्रेष्ठ दवा मानी जाती। मरीज एक समय में तो बहुत खुश और आनंदित नजर आता है, परंतु दूसरे ही क्षण शोक के सागर में डूबा हुआ प्रतीत होने लगता है। यह हालत थोड़ी थोड़ी देर बाद पलटती रहती है। कभी कभी मरीज में बहुत अधिक अधीरता, झगड़ालूपन, क्रोध भी झलकता है। कैमोमिला 30 या 200 यह लक्षण नहीं रहता। इग्निशिया मेंटल रोग के लिए एकोनाइट 30 या 200, कैमोमिला 30 या 200, इग्निशिया 30 या 200, नक्स वोमिका 30 या 200, नक्स मास्टेटा 30 या 200 का मरीज बहुत जल्दी भयभीत हो उठता है। ऐसी अवस्था में भय के कारण उत्पन्न रोगों के इलाज में इग्निशिया 30 या 200, ओपियम 30 या 200, एकोनाइट 30 या 200, विरेक्टम अल्बा 30 या 200 जितनी ही कारगर और प्रभावशाली होती है। इस प्रकार इग्निशिया का एक चित्तवृत्त प्रधान औषधि मानी जाती है। धन्यवाद दोस्तों।